मंगला बिलासपुर के महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में अनियमितताओं और फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि महर्षि यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति जिन कूट रचित दस्तावेजों के साथ हुई है वह गलत है और यूनिवर्सिटी केवल 10 शिक्षकों द्वारा पाठ्यक्रमों का संचालन छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रही है। बता दें कि छात्र संगठन ने उचित कार्रवाई की मांग की है। प्रेस वार्ता हमारे बिलासपुर जिले में जो महर्षि यूनिवर्सिटी संचालित हो रही है उसके फर्जीवाड़े को लेकर हम लोगों ने प्रेस वार्ता रखी थी। जिस तरीके से महर्षि यूनिवर्सिटी लगातार अपने फर्जीवाड़े के कारण सत्र 2014-15 में पहले भी बंद हो चुका था, वही उनका फर्जीवाड़ा दोबारा संचालित हो रहा है। महर्षि यूनिवर्सिटी एक ऐसी संस्था है जो एक ही कैंपस में दो संस्थाएँ संचालित कर रहा है, चाहे महर्षि यूनिवर्सिटी के नाम से हो या फिर महर्षि शिक्षा संस्था के नाम से हो। वहाँ और भी जो मुद्दे थे जिसको लेकर हम लोगों ने अभी आपसे जानकारी ली है, जानकारी दी है आपको। महर्षि यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम लोगों ने कई जगह जांच के लिए लिखा था, पीएमओ भी हम लोगों ने लेटर भेजा, मुख्यमंत्री कार्यालय, सीजीपीआरसी, यूजीसी, जहाँ आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा उस पर जांच कमेटी बनाई गई, जांच कमेटी के दौर भी बनाई गई थी लेकिन उन्होंने गलत रिपोर्ट दायर की। उसमें जांच कमेटी बनाई गई है और जांच कमेटी के द्वारा महर्षि यूनिवर्सिटी में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जब जाँच की गई तो जाँच में वहाँ के रजिस्ट्रार विजय गौड़ी द्वारा कोई भी उनको सहयोग नहीं दिया गया और सहयोग न देने के कारण उनकी जांच सही पाई गई।